हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पूरी जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। आखिर ये पूरा मामला क्या है? रत्न भंडार को लेकर राज्य की नवीन पटनायक सरकार क्यों सवालों के घेरे में है? पीएम मोदी से लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा तक चुनावी सभा में इस बात को उठा चुके हैं। तो ऐसे में चलिए इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और रत्न भंडार में कितना खजाना है। दरअसल पूरी जगन्नाथ मंदिर हिंदू आस्था का बड़ा केंद्र है। इस मंदिर के भंडार में अकूत संपत्ति होने की बात हरदम कही जाती रही है। रत्न भंडार से जुड़े मामले को हम आपको विस्तार से समझाएं, उससे पहले आज का जो सबसे ताजा बयान है वो हम आपको सुना रहे हैं। पहले सुनिए कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। अगर डॉट सुन का पहले आप साबी नहीं देते हैं ना, हम पाताल से भी खोल के वो साबी निकाल के लेके आऊंगा। ये बीजेपी का वादा है। प्रभु जगन्नाथ का रत्न भंडार का भी साबी गायब हो जाता है और सरकार किसी को अरेस्ट नहीं करता है। रत्न भंडार को देखने के लिए लोगों को इजाजत नहीं देते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी जाने नहीं देते हैं। इससे और बड़ा पाप क्या हो सकता है? क्या उड़ीसा का लोग ऐसे पापियों को और एक बार वोट देने का काम करेगा? और एक बार वोट देने का काम करेगा? भाइयों और बहनों, ऐसे लोगों को हमें और एक बार वोट नहीं देना। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी सभा में इस मुद्दे को उठाकर नवीन सरकार पर हमला बोल चुके हैं। रत्न भंडार का मामला अब राजनीतिक प्रसंग बन गया है। रत्न भंडार के ऊपर से रहस्य के पर्दे हटाने की मांग हिंदू समाज वर्षों से करता रहा है। अरे जगन्नाथ है तो जीवन है। अब भगवान जगन्नाथ के यहां कितने आभूषण थे, कितनी संपत्ति थी, आधिकारिक रूप से श्री रत्न भंडार पिछले करीब 40 साल से खुला नहीं है। लेकिन अब तो मैं देश को बताने जा रहा हूं, वो जानकर पूरे देश के लोग भी हैरान हो जाएंगे। श्री जगन्नाथ मंदिर के, श्री रत्न भंडार के गर्भगृह के आंतरिक कक्ष की चाबियां पिछले 6 साल से लापता है। इतना बड़ा अमूल्य खजाना जो भगवान जगन्नाथ के ताबे में है, आप उसको भी संभाल नहीं पाए। पूरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार का क्या है इतिहास? दरअसल साल 1978 में आखिरी बार रत्न भंडार खोला गया था। इसके बाद रत्न भंडार को खोलने के लिए 2018 में भी प्रयास हुए, लेकिन सफलता नहीं मिली। चाबी न मिलने के कारण 17 सदस्यीय टीम भंडार के द्वार से वापस लौट आई। पूरी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। यहाँ विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा को राजाओं और भक्तों से प्राप्त बहुमूल्य आभूषण मंदिर के रत्न भंडार में रखे हुए हैं। रत्न भंडार मंदिर के भीतर 2 कक्ष हैं, पहला भंडार अंतरिक्ष कक्ष और दूसरा भंडार बाहरी कक्ष। हर साल रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को बाहरी कक्ष से आभूषण लेकर पहनाए जाते हैं। जानकारी के मुताबिक मंदिर के रत्न भंडार में खरबों की संपत्ति रखी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।